वेलकम यू टू टॉक टू इंग्लिश पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आई लव यू के जगह पर इस्तेमाल होने वाले कुछ कमाल के फ्रेजेस देखेंगे जिनका इस्तेमाल आप आई लव यू की जगह पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको आई लव यू टू की जगह पर इस्तेमाल होने वाले कुछ कमाल के फ्रेजेस दिखाए गए हैं, वो उस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिएगा। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। Now let us begin। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। आइए अब देखते हैं आई लव यू की जगह पर इस्तेमाल होने वाले कुछ कमाल के फ्रेज। तो सबसे पहला वाला है आई एम इन लव विथ यू, इसका हिंदी होता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ या मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। तो आई लव यू की जगह पर आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम इन लव विथ यू। उसके बाद से नेक्स्ट वाला फ्रेज है आई हैव गॉट क्रश ऑन यू, इसको हिंदी में कहेंगे मुझे आप पसंद हो। तो आई लव यू की जगह पर आप यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई हैव गॉट क्रश ऑन यू। उसके बाद से नेक्स्ट वाला फ्रेज है आई एम क्रेजी अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तो आई लव यू की जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम क्रेजी अबाउट यू। तो आइए नेक्स्ट वाला फ्रेज देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला फ्रेज है यू आर माई अदर हाफ, और इसका हिंदी होता है कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। तो आप आई लव यू की जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि यू आर माई अदर हाफ, यानी मैं आपके बिना अधूरा हूँ। तो ये वाला भी फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट वाला है आई हैव फॉलन लव विथ इन, इसका हिंदी होता है कि मुझे प्यार होने लगा है। आई हैव फॉलन लव विथ यू। तो आई लव यू की जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव फॉलन लव विथ यू। नेक्स्ट वाला फ्रेज है आई वांट यू सो बैडली, नेक्स्ट वाला फ्रेज क्या है आई वांट यू सो बैडली, यानी मुझे बुरी तरह से तुम्हारी चाहत है। तो आप आई लव यू की जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि आई वांट यू सो बैडली। नेक्स्ट वाला फ्रेज आई एम हुक्ड ऑन यू, इसका हिंदी होता है कि मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई लव यू की जगह पर, अच्छा लगेगा कि आई एम हुक्ड ऑन यू। नेक्स्ट वाला है आई एम मेड अबाउट यू, इसकी हिंदी होती है कि मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। तो आप आई लव यू की जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि आई एम मेड अबाउट यू। नेक्स्ट वाला फ्रेज है यू फील माई हार्ट, इसका हिंदी होता है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो या तुम मेरे दिल में बस गई हो। तो आप आई लव यू की जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि यू फील माई हार्ट। नेक्स्ट वाला फ्रेज है आई एम टोटली डिवोटेड टू यू, आई एम टोटली डिवोटेड टू यू, इसका हिंदी होता है कि मैंने खुद को पूरी तरह तुम्हें समर्पित कर दिया है। तो आप आई लव यू की जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि आई एम टोटली डिवोटेड टू यू। नेक्स्ट वाला फ्रेज है यू आर माई सोलमेट, इसकी हिंदी होती है कि आप मेरी आत्मा हो, या आप इसको यह भी बोल सकते हैं कि आपके बिना मेरी आत्मा अधूरी है। तो यू आर माई सोलमेट, आई लव यू की जगह पर आप यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से लास्ट फ्रेज है हमारा आई मस्ट हैव यू, इसकी हिंदी होती है मुझे तुम्हारी चाहत है। तो आई लव यू की जगह पर आप यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई मस्ट हैव यू। अब आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इन सभी फ्रेजेज में से आपको सबसे अच्छा कौन सा फ्रेज लगा और आप आई लव यू की जगह पर ऐसे किस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।